तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5। पहला क्वेश्चन है फाइंड, ये नंबर है 3/3/7, तो हमें क्या करना है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, 3/3/7 इक्वल टू लिखेंगे 3 × डिवाइड कर लें इंटू, और जैसे ही इंटू लिखते हैं तो राइट साइड का जो भी फ्रैक्शन होता है यानी 3/7 उसका हम लोग इन्वर्स लिखते हैं यानी कि उल्टा 7/3। और अब चूंकि यहाँ पर डिवाइड लगता है तो डिवाइड लगा देंगे, 3 बन जाए तो कितना बचा 7। सेकेंड नंबर है 6/1/6, सिक्स डिवाइड वन बाय सिक्स इक्वल टू 6 × 6 इक्वल टू 36। सी नंबर है 16/8/9, तो लिखेंगे 16/8/9 इक्वल टू 16 × 9/8। यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 8 × 1 = 8, 2 = 16, तो हो जाता है 2 × 9 = 18। नंबर डी है 15/3/4, तो लिखेंगे 15/3/4 इक्वल टू 15 × 4/3, और यहाँ पर डिवाइड लगा सकते हैं हम, 3 × 1 = 3, 5 = 15, तो हो जाता है 5 × 4 = 20। नेक्स्ट नंबर है 35/14/3, और अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे 35/14/3 इक्वल टू 35 × 3/14। यहाँ पर डिवाइड लगा सकते हैं 7 से, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, देन वी गेट 5 × 3/2 इक्वल टू 15/2, एंड देन 7 × 1/2। नेक्स्ट है एफ नंबर 42/3/1/2, तो लिखेंगे 42/3/1/2 इक्वल टू 42/3 × 2 + 1/2 इक्वल टू 42/3 × 6 = 6 + 1 = 7, 7/2, देन 42 × 2/7, देन 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42, तो फिर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 6 × 2 = 12। नेक्स्ट है 45/7/1/2, तो लिखेंगे 45/7 × 2 + 1/2 इक्वल टू 45/7 × 14 = 15, 15/2 इक्वल टू 45 × 2/15, देन 15 × 1 = 15, 3 = 45, देन 3 × 2 = 6। नाउ एच नंबर 25/3/3/4, तो लिखेंगे 25/3/3/4 इक्वल टू 25
डिवाइड 3 इंटू 4 प्लस 3 बाय 4 इक्वल टू 25 डिवाइड 3 फोर 12, 12 प्लस 3 15, 15 बाय 4 इक्वल टू 25 इंटू 4 बाय 15। तो डिवाइड लगा सकते हैं, 15 नहीं बल्कि 5 3 जाए 15, 5 5 जाए 25, देन वी गेट 5 4 जाए 20 बाय 3। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 6 3 जाए 18, 18 प्लस 2 20। नेक्स्ट है 12 डिवाइड 2 एंड 2 बाय 3, तो लिखेंगे 12 डिवाइड 2 एंड 2 बाय 3 इक्वल टू 12 डिवाइड 2 इंटू 3 प्लस 2 बाय 3 इक्वल टू 12 डिवाइड 2 3 6 2 8 बाय 3 इक्वल टू 12 इंटू 3 बाय 8। डिवाइड लगा देंगे 8 से, 8 1 जा सॉरी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, हो जाता है 3 3 9 9 बाय 2, देन 4 एंड 1 बाय 2। नेक्स्ट है 49 डिवाइड 6 एंड 1 बाय 8, तो लिखेंगे 49 डिवाइड 6 इन 1 बाय 8 इक्वल टू 49 डिवाइड 6 इंटू 8 प्लस 1 बाय 8, हो जाता है 49 डिवाइड 6 8 जाए 48 प्लस 1 49 बाय 8, देन 49 इंटू 8 बाय 49, देन 49 वन जा 49 वन जा इक्वल टू 8। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, इस पर फाइंड के बदले लिखा गया इंस्ट्रक्शन डिवाइड, करना वही था और अभी भी वही करना है। तो इस बार क्या लिखा है कि डिवाइड 1 बाय 3 बाय 1 बाय 5, मतलब क्या कि 1 बाय 3 में 1 बाय 5 से डिवाइड करें। तो लिखेंगे कैसे हम लोग इसे, तो 1 बाय 3 डिवाइड, जैसा कि सब में लिखा हुआ है तो हम लोग भी लिखेंगे 1 बाय 3 डिवाइड 1 बाय 5। तो इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग फॉलो करेंगे और उसके अनुसार हम लोग डिवाइड कर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं 1 बाय 3 डिवाइड 1 बाय 5। वन नंबर है 1 बाय 3 डिवाइड 1 बाय 5, वन बाय 3 डिवाइड 1 बाय 5 इक्वल टू 1 बाय 3 इंटू 5, देन 5 बाय 3, देन 1 एंड 2 बाय 3। सेकेंड नंबर है, ये था ये नंबर, और अब बी नंबर है 1 बाय 2 डिवाइड 1 बाय 4, 1 बाय 2 डिवाइड 1 बाय 4 इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 4 बाय 1, और तब लिखेंगे 2 1 जा 2 2 जा 4, तो बचता है ओनली 2। नेक्स्ट है
नाइन बाय फोर्टीन डिवाइड थ्री बाय 35। तो लिखेंगे नाइन बाय फोर्टीन डिवाइड थ्री बाय 35 इक्वल टू नाइन बाय फोर्टीन इंटू 35/3। अब यहाँ पर डिवाइड लगा सकते हैं हम लोग, थ्री वन जा थ्री थ्री जा नाइन, और इसको डिवाइड कर सकते हैं सेवन से, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन फाइव जा 35। तो बचता है थ्री इंटू 5/2, थ्री फाइव जा 15/2, देन सेवन एंड 1/2। नेक्स्ट है 7/11 डिवाइड 42/55। तो लिखेंगे उसके बाद हम लोग 7/11 इंटू 55/42। इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 11 वन जा 11, 11 फाइव जा 55, 7 वन जा एंड 7 सिक्स जा 42, देन 5/6। नेक्स्ट है 17/3 डिवाइड 1/6। तो लिखेंगे यहाँ पर 17/3 डिवाइड 1/6 इक्वल टू 17/3 इंटू 6, और यहाँ पर डिवाइड लगा सकते हैं थ्री वन जा थ्री टू जा 6, तो हो जाता है 17 इंटू 2 इक्वल टू हो जाता है 34। अब नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, फाइंड 2 and 1/5 डिवाइड 1/10, और इसी तरह से फिर है 4 and 2/3 डिवाइड 1/9, फिर इसी तरह से और भी सवाल है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 2 and 1/5 डिवाइड 1/10। टू एंड 1/5 डिवाइड 1/10, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 2 and 1/5 डिवाइड 1/10 इक्वल टू 2 5 10 प्लस 1/5 डिवाइड 1/10 इक्वल टू हो जाता है 2 5 10 वन 11/5 डिवाइड 1/10, एंड देन 11/5 इंटू 1/10 का रिवर्स हो जाता है ओनली 10। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड लगा सकते हैं 5 1 5 फाइव टू ज़ा 10, तो फिर कितना होता है 11 2 ज़ा 22। नेक्स्ट है 4 and 2/3 डिवाइड 1/9, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 and 2/3 डिवाइड 1/9 इक्वल टू 4 into 3 प्लस 2/3 डिवाइड 1/9, तो हो जाता है 4 3 12 12 2 14/3 डिवाइड 1/9, देन 14/3 इंटू 1/9 का रिवर्स हो जाता है 9। तो फिर यहाँ पर डिवाइड लगा सकते हैं 3 1 जा
थ्री थ्री जै नाइन, देन 14 थ्री जै 42, नेक्स्ट है 8 एंड 4 बाय 5 डिवाइड 4 बाय 25, तो इसे हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे 8 एंड 4 बाय 5 डिवाइड 4 बाय 25 इक्वल टू 8 इंटू 5 प्लस 4 बाय 5 डिवाइड 4 बाय 25, तो हो जाएगा 8 5 जाए 40 प्लस 4 44 बाय 5 डिवाइड 4 बाय 25। फिर यहाँ पर जैसे हम लोग इन्वर्स करते हैं मल्टीप्लाई का साइन देने के बाद 25 बाय 4, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 1 जा 4 11 जा एंड 5 5 जा 25, तो हो जाता है 11 5 जा 55। नेक्स्ट है तीन नंबर 10 एंड 2 बाय 5 डिवाइड 3 एंड 1 बाय 4, तो लिखेंगे 10 एंड 2 बाय 5 डिवाइड 3 एंड 1 बाय 4 इक्वल टू 10 इंटू 5 प्लस 2 बाय 5 डिवाइड 3 इंटू 4 प्लस 1 बाय 4। फिर लिखेंगे 10 5 50 प्लस 2 52 बाय 5 डिवाइड 3 4 जाए 12 1 13 बाय 4, तो फिर लिख सकते हैं यहाँ पर 52 बाय 5 इंटू, जैसे लिखेंगे तो 13 बाय 4 का रिवर्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4 बाय 13। अब यहाँ पर डिवाइड लगा सकते हैं 13 वन जाए 13 फोर जाए 52, देन 4 फोर जाए 16 बाय 5, तो लिख सकते हैं 3 एंड 1 बाय 5। नेक्स्ट है ये नंबर 6 एंड 5 बाय 14 डिवाइड 5 एंड 9 बाय 16, तो लिखेंगे यहाँ पर 6 एंड 5 बाय 14 डिवाइड 5 एंड 9 बाय 16 इक्वल टू हो जाता है 6 इंटू 14 प्लस 5 बाय 14 डिवाइड 5 इंटू 16 प्लस 9 बाय 16, तो लिखेंगे 14 6 84 प्लस 5 84 प्लस 5 89 बाय 14 डिवाइड 5 6 16 जा 80 प्लस 18 प्लस 80 प्लस 9 89 बाय 16। फिर लिख सकते हैं यहाँ पर 89 बाय 14 इंटू 16 बाय 89, 89 को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 7 जा 14 2 8 जा 16, तो हो जाता है 8 बाय 7, देन जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो हो जाता है 1 एंड 1 बाय 7। और अब नंबर है 4, इस बार क्या कहता है फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स,
वन बाय फाइव डिवाइड वन इक्वल टू व्हाट, सिक्स बाय थर्टीन डिवाइड इक्वल टू, सिक्स बाय थर्टीन डिवाइड डैश इक्वल टू सिक्स बाय थर्टीन, तो यही हमें मालूम करना है। तो सवाल यहाँ पर लिखते हैं वन बाय फाइव डिवाइड वन इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा यदि ये किसी संख्या वन से डिवाइड करते हैं तो नो इफेक्ट, कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता है, तो लिख देंगे वन बाय फाइव बिना कुछ सोचे। फिर उसके बाद है बी नंबर, सिक्स बाय थर्टीन डिवाइड डैश इक्वल टू सिक्स बाय थर्टीन, ये कह रहा है कि सिक्स बाय थर्टीन में किससे डिवाइड करेंगे जिससे कि सिक्स बाय थर्टीन प्राप्त हो जाए, तो आसान है तो लिखेंगे वन। सी नंबर है डैश डिवाइड वन इक्वल टू फाइव एंड वन बाय टू, अब कहता है कि इस संख्या में वन से डिवाइड करेंगे जिससे कि फाइव एंड वन बाय टू प्राप्त हो जाएगा, तो ये भी बताना आसान है तो बोलेंगे फाइव एंड वन बाय टू। नेक्स्ट है डी नंबर, जीरो डिवाइड वन एंड वन बाय टू इक्वल टू व्हाट, तो जीरो में किसी संख्या से भाग दें या गुणा करें तो क्या हो जाता है उसका रिजल्ट जीरो। नेक्स्ट है फोर बाय सेवन डिवाइड फोर बाय सेवन इक्वल टू व्हाट, तो किसी संख्या में अगर उसी संख्या से डिवाइड करते हो तो उसका रिजल्ट वन होता है। नेक्स्ट है फाइव एंड फोर बाय थर्टीन डिवाइड सिक्सटी नाइन बाय थर्टीन इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, थर्टीन फाइव जो सिक्सटी फाइव, सिक्सटी फाइव प्लस फोर सिक्सटी नाइन बाय थर्टीन, और डिवाइड करने के राइट साइड है सिक्सटी नाइन डिवाइड थर्टीन, यानी कि यहाँ पर भी सिक्सटी नाइन बाय थर्टीन होता है और यहाँ पर भी सिक्सटी नाइन बाय थर्टीन होता है, मतलब सेम संख्या में सेम नंबर से सेम संख्या से डिवाइड करते हो तो उसका रिजल्ट भी वन होता है। नेक्स्ट है डैश डिवाइड सेवन एंड फाइव बाय अलेवन इक्वल टू वन, तो यहाँ पर कहता है किस संख्या में सेवन एंड फाइव बाय अलेवन डिवाइड करेंगे कि वन होगा, इसका मतलब है कि सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो उतना ही होगा, तो लिखेंगे सेवन एंड फाइव बाय अलेवन। नेक्स्ट है एच नंबर, सिक्सटीन एंड टू बाय थ्री डिवाइड डैश इक्वल टू वन, यानी कह रहा है कि इस संख्या में किससे डिवाइड करेंगे जिससे कि रिजल्ट हो जाएगा वन, इसका मतलब है कि उसी संख्या से सिक्सटीन एंड टू बाय थ्री, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।